तो अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन एंड देयर इज़ ए डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न एज इंडिकेटेड बाय मेंडल कि जीन्स और एलील्स दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दे आर ट्रांसफरिंग इन ए डेफिनेट पैटर्न और डेफिनेट सीक्वेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन बट नॉट ऑल द इंट्रैक्शंस और ऑल द करेक्टर्स नॉट are not following the Mendel's pattern of inheritance. Ki there are, I mean to say, there are some interactions that are modified. Although we know that genes are discrete units, they are responsible for transference of a character. Ki koi bhi character ko transfer hone ke liye, genes hi ek generation se dusre generation mein jaate hain. But these genes, they are modified in such a manner that they produce different phenotypes and these are due to various genes interactions. Kiske karan hota hai? There are some genes interactions are there or alleles of a genes, they interact with each other to modify a particular character. I mean to say ki waise to basic pattern to Mendel ki tarah hi aage चलता है लेकिन उसमें क्या होता है जीन्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं या एलील जो भी हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर टू मॉडिफाई ए फिनोटाइप जिसके कारण क्या हो जाता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिनोटिपिक इफेक्ट दे आर प्रोड्यूस इन ए डिफरेंट मैनर कि वो अलग से प्रोड्यूस्ड होते हैं ठीक है और ये जीनरिक इंट्रैक्शन कितने तरह की होती है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स इंट्रा जीनरिक इंट्रैक्शन एंड इंटर जीनरिक इंट्रैक्शन So what is a generic interaction? It comes under post-Mendelism. Post-Mendelism means when some of the experiments were conducted after Mendel on different plants by different scientists. Different scientists ne different plants ko consider kiya aur Mendel ke baad they performed some different experiments. To unhone different experiments kiye on the basis of which they could obtain some different result. Ki unhone aise result obtain kiye the jo Mendel se different the. Although they were following the same pattern, same basic sequence ko follow karte hue, phir bhi they were giving the different phenotypic expressions. Alag se phenotypic expression de rahe the. Wo scientist kaun the? Unme se hum kuch case study karenge. And all this come under पोस्ट मेंडेलिज्म किसके अंदर स्टडी करती है मेंडल के बाद का वर्क दैट वाज परफॉर्म बाय डिफरेंट साइंटिस्ट क्लियर तो इनके अंदर वी विल बी स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जीनरिक इंटरेक्शंस कि साइंटिस्ट ने देखा कि जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाइड करेक्टर कि कोई भी करेक्टर मॉडिफाई क्यों हो रहा है ड्यू टू जीनरिक इंटरेक्शंस तो जीनरिक इंटरेक्शंस आर देयर मीन्स एलिलिक interactions to produce a different phenotype and these generic interactions are of also of two kinds and they also interact in different पैटर्न्स कि डिफरेंट पैटर्न्स में ये इंटरेक्ट करती हैं अब वो कैसे है दैट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज जीनिक इंटरेक्शंस को वी कैन डिवाइड देम इनटू टू टाइप्स फर्स्ट इज इंट्रा जीनरिक इंटरेक्शंस एंड सेकेंड वन इज इंटर जीनरिक इंटरेक्शन So intragenic interaction is the interaction between the alleles that are present on a same homologous locus. Interaction between the alleles of a gene or we can call them gene also that are present on same locus of a homologous chromosome
तो सेम लोकस मीन्स इफ यू हैव स्टडीड, इफ यू वांट टू स्टडी ए पर्टिकुलर करेक्टर इज प्रेजेंट एट ए पोजीशन, उसके होमोलोगस पोजीशन पे द सेम जीन विल बी प्रेजेंट, तो इनमें इंट्रैक्शन डिफरेंट काइंड में विद इन द होमोलोगस पेयर में और विद इन फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर से कैसे मॉडिफिकेशन आती है, जब ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में या दोनों सॉरी जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस. तो इसके अंदर वी विल बी स्टडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, अगेन को डोमिनेंस, एंड देन वी विल बी स्टडिंग मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स एंड लीथल जीन्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्राजीनरिक इंट्रैक्शन. दैट मीन्स दैट ऑकर विद इन ए जीन पेयर, कि एक ही जीन पेयर के अंदर दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजिशन इन ए होमोलोगस क्रोमोजोम. क्लियर? तो उसके अंदर जब इंट्रैक्शन होती है और फिनोटिपिक मॉडिफिकेशंस होती हैं, देन सच काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड इंट्राजीनरिक, यानी कि एक पेयर के अंदर ही. और इंटरजीनरिक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व मोर देन टू जीन्स और नोन दैट जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अनदर पोजिशंस, जीन्स और एलील्स ऑन another position of another position or involving different chromosomes. Chromosomes भी different होते हैं, यानी कि same homologous position नहीं होती. एक होमोलोगस पोजीशन पे जो एक जीन प्रेजेंट है, इट इज अफेक्टिंग द अनदर जीन दैट इज प्रेजेंट एट अनदर लोकस. कहने का मतलब है कि इसमें इफ यू हैव कंसीडर वन करेक्टर, दिस इज इंट्राजीनरिक, यानी कि ये ए जो है इट इज आल्सो प्रेजेंट एंड देयर इज वन मोर पेयर ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट एंड ऑन अनदर लोकस, यानी कि ये इसको इंट्रैक्ट करता है जो दूसरे जीन्स को जो अनदर पोजिशन पे प्रेजेंट होता है. या हम कह सकते हैं दूसरे क्रोमोजोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे क्रोमोजोम्स के अंदर भी जब डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और जिनमें इंट्रैक्शन होती है, और वो कैसे होती है, दैट इन्वॉल्व्स वेरियस डाई हाइब्रिड प्रोसेस. तो इंटरजीनरिक इंट्रैक्शन में हम स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, एंड इपिस्टेसिस. ऑल दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजीनरिक इंट्रैक्शन. किसके एग्जाम्पल हैं? इंटरजीनिक इंट्रैक्शन के दैट आर इन्वॉल्विंग एलील्स दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम और इन्वॉल्विंग डिफरेंट क्रोमोजोम्स ऑल्सो. ऑल्दो इट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर बुक, बट क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस साइड. और इसमें क्या है, इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना जरूरी है सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये भी हम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद इंट्राजीनरिक इंट्रैक्शंस. तो इंट्राजीनरिक इंट्रैक्शंस में दैट वी विल बी स्टडिंग दैट आर प्रेजेंट, कि इंट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट विद इन द विद इन ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम, विद इन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड हैविंग द सेम पोजिशन और सेम लोकस, कि जीन्स की एक सेम पोजिशन या सेम लोकस पे जो भी इंट्रैक्शन है उनकी आपस में एक पेयर की, दैट कम्स अंडर इंट्राजीनरिक. और उसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, वी स्टार्ट विद दिस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज स्टडीड बाय कार्ल कॉरेंस. कार्ल कॉरेंस ने इसको स्टडी किया था एंड ही कंसीडर्ड ए फ्लावर
स्नैपड्रैगन, और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉग फ्लावर. इसका कॉमन नेम डॉग फ्लावर भी है जो कि बहुत कॉमन है. एंड देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ दिस स्नैपड्रैगन, जिसमें कि एक रेड कलर को अगर हम कंसीडर किया एंड कंट्रास्ट करवाया किसके साथ, वाइट के साथ, तो व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग दैट वी विल बी व्हेन दैट वी विल सी नाउ. एंड सेकेंड प्लांट ही कंसीडर्ड ऑफ मिराबिलिस जलापा, और वी कैन से फोर ओ क्लॉक प्लांट लिए उसने, और उसमें भी फ्लावर के कलर को कंसीडर किया. इसमें भी डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं. एंड साइंटिफिक नेम क्या है, अगेन मिराबिलिस जलापा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट. तो ही कंसीडर्ड टू प्लांट्स, एंड व्हेन ही क्रॉस्ड द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स बाय कंसीडरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर किया था, बाय कंसीडरिंग डिफरेंट करेक्टर्स, द सेम पैटर्न वॉज डन बाय कार्ल कॉरन्स ऑन दीज प्लांट्स. सेम पैटर्न पे उसने किया, तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी दैट देयर वॉज एन इंटरमीडिएट कंडीशन. दैट मीन्स दैट वॉट इज दैट कंडीशन, वो अब हम देखते हैं कि जैसे कि रेड फ्लावर को जब क्रॉस कराएं वाइट फ्लावर के साथ, व्हेन ही क्रॉस रेड कलर फ्लावर, रेड कलर को वाइट फ्लावर्स के साथ, और ये प्लांट्स कौन से थे, देवर ऑफ एंटीराइनम मेजस और ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट, दैट इज ऑफ मिराबिलिस जलापा. तो इन दो प्लांट्स को कंसीडर करके जब क्रॉस करवाया, तो टू हिज सरप्राइज ही कुड ऑब्टेन द कैपिटल आर स्मॉल आर इन एफ वन में उसने जब देखा, जैसे इसके गैमीट बनेंगे आर और इसके बनेंगे सेम काइंड ऑफ आर, एक ही तरह के गैमीट, और जब इनको क्रॉस करवाएंगे तो एफ वन में दिस रिजल्ट वॉज देयर. तो इंस्टेड ऑफ डोमिनेंट, इसमें हमें मेंडल के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी रेड कलर, डोमिनेंट के अकॉर्डिंगली कि कैपिटल आर को डोमिनेंट करना है वाइट पर अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट डोमिनेंस, बट दिस वॉज नॉट सो इन दिस केस, दिस वॉज ए पिंक कलर. तो इस वक्त यहाँ कौन से कलर मिले, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एंड देवर गिविंग दी पिंक कलरेशन. कहने का मतलब क्या है कि वेन दीज टू जीन्स दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जब ये दोनों जीन्स और एलील्स इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद वट दे आर डूइंग, दे आर मोडिफाइंग दी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को उन्होंने कैसे मोडिफाई किया, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दी रेड कलर बाय दी कैपिटल आर, दे हैव गिवन दी, दोनों ने इंटरेक्ट किया एंड दे हैव गिवन द पिंक कलर. कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ, पिंक कलर, कि इनमें कुछ ऐसी जेनेटिक इंटरेक्शन हुई, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हुए जिसके कारण पिंक कलर वाज ऑब्टेन्ड, दैट वाज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू. कहने का मतलब है कि कैपिटल आर वाज नॉट एबल टू सप्रेस दी स्मॉल आर कंप्लीटली. कैपिटल आर क्या था, स्मॉल आर को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर सका, जिसके कारण व्हाट कुड हैपन, एन इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, और वी कैन से कॉल इट ए ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि दोनों के बीच का करेक्टर था ना, मिक्स इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं इसको. ऑल दो कई बुक्स में इसको मिक्स इनहेरिटेंस बोल लिखा गया है, बट इट इज नॉट एक्चुअली ए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बिकॉज वी विल सी वट हैपन्स इन एफ टू जनरेशन, तो वी विल बी गेटिंग द वाइट कलर अगेन. तो जब हमें वाइट कलर फिर से मिलता है इन ए डेफिनेट सीक्वेंस, एक पैटर्न सीक्वेंस तो वही सेम होगा 1:2:1 वाला, तो लेकिन जब हमें वाइट कलर फिर से मिलता है, तो जिसके कारण हम इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, ऑल दो इट इज गिविंग ए ब्लेंडिंग टाइप ऑफ पैटर्न, ब्लेंडिंग पैटर्न तो दे रही है. इसलिए किसी बुक्स कई इन सम जगह इन सम प्लेसेस इट इज मेंशनड कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस एज ए केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज देयर. क्लियर. अब हम इसको कैपिटल आर को स्मॉल आर को फिर से क्रॉस कराते हैं, यानी कि सेल्फिंग कराई.
सेल्फिंग कराने से वी विल बी गेटिंग द टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स. दैट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाइड, वी हैव गॉट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो ये दोनों अलग तरह के गैमेट्स हमें मिले, और जब हमने मेल एंड फीमेल में इनको क्रॉस कराया तो हम एक बॉक्स बना के देखते हैं कि वॉट वी आर गेटिंग दिस टाइम. तो इफ़ यू हैव टेकन हॉरिजॉन्टली कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एज फीमेल एंड वर्टिकली वी हैव टेकन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एज गैमेट एंड इफ वी गो ऑन कंबाइनिंग देम देन वी विल बी गेटिंग रेड कलर अगेन एंड वी आर गेटिंग पिंक कलर इंटरमीडिएट कंडीशन. अगेन वी आर गेटिंग इंटरमीडिएट कंडीशन एंड व्हेन दीज टू रिसेसिव करेक्टर्स दे आर कंबाइन देन वी आर गेटिंग वाइट कलर अगेन. तो आई मीन टू से दिस रेशियो this time will be 1:2:1 and this is a phenotypic ratio. Phenotype bhi hume teen tarah ke mile. Kaun se? What we have got this time ki 1 red mila, 2 pink mile and 1 white mila. And genotypic was of course same. That means isme, is case mein what we have seen, phenotypic and genotypic ratio are same. But phenotypic ratio is modified. Phenotypic ratio is modified kyunki hume malum tha when there is a complete dominance then phenotypic ratio is 3:1. 3:1 ho gayi, lekin jab ab is incomplete dominance mein inke andar interaction hua genes ke andar jiske karan in genetic interaction ke karan phenotypic modification was done and this time a second color, a new color, pink color was obtained and phenotypic ratio was 1:2:1. क्या बन गई? 1:2:1 ratio was obtained. तो this is a best example of intragenic inheritance. अब हम देखते हैं कि what is a basic mechanism or what is a concept of dominance. कि वो concept क्या है dominance का? Actually में what is dominance and what is recessive? क्या कंडीशन है कि जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव. तो वो हम बेसिक पैटर्न क्या है दैट वी सी हियर नाउ. टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ दिस डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर वी शुड नो व्हाट एक्चुअली दीज जीन्स आर डूइंग. As we know that genes they are responsible for transference of character. Koi bhi character transfer hota hai, that is due to the these genes. And in diploid organisms there are always a pair of alleles. Aur hum keh sakte hain ki a pair of genes are there to express a character. Now normally what happens in an hybrid condition, in heterozygous condition mein these two alleles are different. यानी कि वन एलील इज परफॉर्मिंग इज डिफरेंट वर्क एंड अनदर एलील इज हैविंग सम डिफरेंट मॉडिफिकेशन. कि एक एलील जो नॉर्मल वे में काम कर रहा है तो उसकी मॉडिफिकेशन से दूसरा एलील दैट इज परफॉर्मिंग डिफरेंटली कि उसका बिहेवियर क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है. तो लेट अस कंसीडर इन व्हाट मैनर दिस हैपन्स. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स एन इंफॉर्मेशन. कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं जीन का that contains an information for the secretion of an enzyme. ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि the genes they are responsible for the formation of some chemicals in organisms. कि जितने भी organisms हैं उनमें जीन कैसे काम करते हैं, they form some enzymes or some proteins that we will be looking in our next chapters. कि किस तरह से genes जो हैं they are responsible for formation of some proteins or some enzymes. तो let us consider that a gene is responsible for a secretion of enzyme. Concept of dominance or mechanism of dominance samajhne ke liye concept of dominance. To ab hum isme dekhte hain ki ek gene jo hai that secretes some enzyme to for the transformation of a substrate S. Transformation of a substrate S. कोई भी substrate है उसकी transformation के लिए, यानी कि कोई भी color production के लिए, जैसे कि हमने flowers के cases में देखा कि colored flowers की जो production है उसमें कुछ pigment की formation, there is a need
to form is there is a need of formation of pigment. Those pigment formation ke liye, what happens? There is a need of some genes functioning. To wo gene kya karte hain? Kuch aise enzymes produce karte hain jo us substrate ko transform kar sake, ki wo substrate ko change kar sake. Theek hai? To normally kya hota hai? These genes they function in different manner. Ki normal genes, suppose if there are normal genes, some example le ki normal gene ko hum maan le, that is capital R, or it is a dominant gene that is producing a normal enzyme, ek tarah se normal enzyme produce kar raha hai, so that dominant character or colored condition is obtained, aur hum keh sakte hain substrate function, substrate ki transformation ho sake. To maan lo ki ek gene hai R जो कि डोमिनेंट करैक्टर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने फ्लावर्स के केसेस में देखा, ठीक है? और ये कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ सम नॉर्मल एंजाइम. कुछ ऐसे नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, कि इस जीन के अंदर ही क्या हो जाता है, देयर आर सम मॉडिफिकेशन. कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसके कारण इसकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अब वो चेंजेस कैसे आते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स वी कैन कंसीडर. तो थ्री मॉडिफिकेशन किस वे में हम कंसीडर कर सकते हैं, थ्री मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस एलील. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस एलील इज मॉडिफाइड, अगर ये मॉडिफाइड हो जाए, द एलील कुड बी नॉर्मल. इफ द एलील इज नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल में वो फंक्शन कर रहा है, तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम सीक्रीशन जितनी भी जरूरत है, ठीक है, सीक्रीशन कर रहा है, ठीक है. एंड सेकंड केस में ड्यू टू सम चेंजेस, इसके अंदर किस म्यूटेशन के कारण मान लो चेंजेस आ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे, और हो सकता है ये नो एंजाइम की एंजाइम को प्रोड्यूस ही ना करे, अगर इसमें इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल आर जो कि एक डोमिनेंट और वाइल्ड है, कॉमन जीन है, बहुत कॉमन है, वो डोमिनेंट करता है किस पर, वाइट कलर पर, ठीक है. वो डोमिनेंट वे में क्या करता है, नॉर्मल जीन को प्रोड्यूस, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण कलर आ रहा है. अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉर्मल एंजाइम सीक्रीशन करेगा, ठीक है, जब नॉर्मल वे में नॉर्मल एंजाइम या थोड़ा सा कम, लेस एफिशिएंटली, बिल्कुल थोड़ा सा कम करेगा सीक्रेट, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, तो देन इट्स इफेक्ट विल बी इजी इक्वल टू. अब हम ये मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट केस में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, यानी कि ये मॉडिफाइड जो एलील है, इसको हम थ्री मॉडिफिकेशंस हमने देखी ना किस तरह से, तो इसमें जो फर्स्ट मॉडिफाइड एलील है, दैट इज इक्वलेंट टू अनमॉडिफाइड वन, कि वो ना के बराबर है, यानी कि कैपिटल आर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हमने अनमॉडिफाइड का नाम दिया. दैट मीन्स इट इज गिविंग द आर एंड नॉर्मल एंजाइम सीक्रीशन इज देयर एंड रेड कलर इज देयर, ठीक है, जिसके कारण नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई. अब सेकंड केस में नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस, यानी कि कोई एंजाइम जो कि नॉन फंक्शनल है, काम नहीं करता, वो प्रोड्यूस हुआ, तो जिसके कारण, यानी कि ये नॉर्मल आर था, नॉर्मल आर इज मॉडिफाइड, जो नॉर्मल था वो आर क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, ठीक है, एंड नो कलर इज प्रोड्यूस, जिसके कारण नो कलर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट इज व्हाइट कलर वाज देयर, ठीक है. अगेन इफ यू हैव कंसीडर्ड नो एंजाइम, अगेन आर इज मॉडिफाइड इन दिस केस ऑल्सो, कि ये भी क्या मॉडिफाइड हो गया, और इसने भी क्या किया, नो एंजाइम इट हैज प्रोड्यूस्ड, कि इसने भी कोई एंजाइम, नो एंजाइम इट हैज प्रोड्यूस्ड, तो इट इज मॉडिफाइड, सो नो, तो आर इज मॉडिफाइड एंड नो कलर इज देयर, मॉडिफाइड आर एंड नो कलर इज देयर. अगेन इन दिस केस, तो आई मीन टू से कि बोथ दीज कंडीशंस दे आर रिलेटेड टू रिसेसिव कंडीशंस,
कहने का मतलब है द रिसेसिव कंडीशन इज ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम कैपिटल आर. ठीक है, इसमें तो रेड कलर नॉर्मल फंक्शनिंग का प्रोड्यूस कर रहा है, तो व्हाट डस इट कंक्लूजन कि दैट इज द डोमिनेंट कलर इज ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग. डोमिनेंट इज ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग एंड और दैट इज गिविंग कैपिटल आर और रेड कलर. बट जो वाइट कलर है, वाइट कलर इज रिसेसिव, रिसेसिवनेस इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ कैपिटल आर, म्यूटेशन ऑफ कैपिटल आर एंड जिसके कारण कोई भी एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हुआ और वाइट कलर प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो रिसेसिव कंडीशन इस केस में क्या हुआ कि वाइट कंडीशन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब कंप्लीट डोमिनेंस होती है तो उसमें आर कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेट कर जाता है स्मॉल आर. यानी कि कहने का मतलब है कि दिस एंजाइम इज कंप्लीटली सप्रेसिंग दी स्मॉल आर, कि स्मॉल एलिलिक फॉर्म को नॉर्मल वे में वो सप्रेस कर देता है. ठीक है, तो जिसके कारण जो भी वो स्मॉल आर की एलिलिक फॉर्म है जो कि इसी की मॉडिफिकेशन से हुई है, तो वो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कलर एंड आर इज डोमिनेटिंग इन केस ऑफ इन दैट केस. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया डोमिनेंस इज ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ सम एंजाइम, एंजाइम की फंक्शनिंग के कारण है और ना कि पर्टिकुलर जीन का एक ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट फीचर है, जो कि हम बाद में फिर से देखेंगे कि किस तरह से ये जीन मॉडिफाइड होते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट, कि डोमिनेंस किस तरह से काम करती है अलग अलग केसेस में. अब हमने सेकेंड केस में देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि उस केस में वी हैव सीन कि कैपिटल एंड आर स्मॉल आर दे आर गिविंग पिंक कलर. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि इसमें द कैपिटल आर दे आर म्यूटेटेड, कि वो म्यूटेट हो गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गिव कंप्लीट, दे आर नॉट एबल टू सप्रेस द स्मॉल आर, स्मॉल आर को उन्होंने कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर सके. ठीक है, कि उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई जिसके कारण पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैपिटल आर इज देयर. That is why the capital R was not able to suppress the small r, कि उसको small r को वो completely suppress नहीं कर सका. तो this is a complete case of what we can say is incomplete dominance. Incomplete dominance माना गया and it is also indicating the a sort of blending inheritance, but ये blending नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में F2 में VC की रेड कलर करेक्टर्स, वाइट कलर करेक्टर्स एंड पिंक कलर्स आर ऑप्टेन्ड. किस तरह से 1:2:1 रेशियो में ऑप्टेन होते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं द कैपिटल आर इज मॉडिफाइड, कि वो मॉडिफाइड हुआ है, कि उसमें से कुछ एलिलिक जो सप्रेशन होनी थी दैट इज, यानी कि कुछ डोमिनेंट करेक्टर था दैट वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली डोमिनेट द स्मॉल आर. और स्मॉल आर भी हमें मालूम है इट इज़ ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ सम ऑफ द जीन्स ऑफ द कैपिटल आर. वो तो हमने अलग से केसेस में वाइट कलर्स में कंसीडर किया जिसमें कैपिटल आर फंक्शनिंग नहीं थी, लेकिन जब हमने दोनों को इकट्ठा किया तो कैपिटल आर भी जो एक्चुअल में था इट वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली सप्रेस दिस, ए सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज देयर. तो इन दिस मैनर वी कैन से कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज बेस्ड ऑन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ दी जीन्स. ठीक है, इनके पीछे कुछ केमिकल्स और कुछ केमिस्ट्री है वो काम करती है और कुछ केमिकल्स की सीक्रीशन है जिसके बेसिस पे ये एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि दीज बायोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस टू गिव डिफरेंट कलरेशंस. और ये बायोकेमिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द रिस्पॉन्स और बाय द फंक्शनिंग ऑफ दीज जीन्स, जो नॉर्मल वे में डोमिनेंट करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और एबनॉर्मल वे में दे, यानी कि उनमें चेंजेस हो जाए, दे गिव द रिसेसिव करेक्टर. ठीक है, और जब हमने उनको कंबाइन करवाया तो कंप्लीट डोमिनेंट में तो वो कंप्लीटली वर्क कर गया कैपिटल आर, लेकिन इसमें कैपिटल आर कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाया, पार्शियल एक्सप्रेशन इसने दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया जिसके कारण पिंक कलर वाज प्रोड्यूस्ड. क्लियर, तो दिस इज रिगार्डिंग दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ वी सी वेरियस अदर इंट्राजेनेरिक इंट्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म. व्हाट इज दिस वी सी नाउ.